मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ दिनों से तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम और कम्युनिटी टैब के अंदर फॉलो करके मेरे कुछ पोस्ट वगैरह तो देख ही रहे थे, और तुम लोग को अंदाजा हो गया था कि मैं बहुत जल्द जो हूँ कॉमिक बुक्स को छोड़ने वाला था। लेकिन जब मैंने ये पोस्ट डाला तो तुम लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स आया जो कि शायद कभी किसी वीडियो पे नहीं आया, और मुझे अफसोस है कि इस तरह का रिस्पॉन्स अगर मेरी हर वीडियो पे आ रहा होता तो मुझे कभी उस पोस्ट को डालने की जरूरत ही ना होती। लेकिन आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने, खासकर मैं अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से वो लोग मेरे डीएम्स में आके मुझे समझा रहे थे कि वो कॉमिक डालना मैं कभी ना छोड़ूं क्योंकि मैंने अपनी टाइमलाइन को स्टार्ट किया है, और इस बात को मैं कहीं ना कहीं मानता हूं कि चैनल को शुरू करने के पीछे मेरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को लेकर चलने वाला हूं। लेकिन अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे तो व्यूज वगैरह इतने नहीं आ रहे थे जितने मैंने एक्सपेक्ट किए हुए थे, तो अब मैंने सोचा कि अब हमें सिर्फ मूवीज का ही कॉन्टेंट डालना चाहिए जिस तरह दूसरे यूट्यूबर्स डाल रहे हैं, और उसी तरह व्यूज कमा के अपना गुजारा करना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने कहा कि कॉमिक्स डालना कभी मत छोड़ना, हम पूरी पूरी टाइमलाइन को देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने इस बात का फैसला करा कि हम अपने इस वाले चैनल के ऊपर जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको वही रहने देंगे जिस तरह से वो चलते आ रहा है, यानी कि जितने भी कॉमिक्स हैं, जितनी भी टाइमलाइन आपको मेरी फॉलो करनी है वो इसी चैनल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अब से जैसा कि आप टाइटल देख के समझ ही होंगे कि हमने एक नया चैनल बना लिया है और उस चैनल के ऊपर हम अपनी बाकी की दूसरी वीडियोस डालने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं कि अपने जो सेकंड चैनल बनाया है उसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि अभी मैंने उसके ऊपर एक टॉप 10 वीडियो डाली थी और उस पर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि हॉकाई की कॉमिक बुक सीरीज को इस पर स्टार्ट कर दिया जाए। तो मैं सबसे पहली बार यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ कि उस चैनल के ऊपर हमारा किसी भी किस्म का कोई कॉमिक बुक नहीं आने वाला है, मतलब चाहे वो कितनी भी बड़ी सीरीज क्यों ना हो, वो चैनल हमारा कितना भी ज्यादा ग्रो क्यों ना कर जाए, कॉमिक बुक अब वहां पे नहीं आएगा। कॉमिक बुक आपको जो भी देखने हैं, डीसी हो, मार्वल हो या दूसरे कोई से भी हो, वो हमारे इसी मेन चैनल के ऊपर आएंगे जो कि हमारा मेन चैनल ही रहेगा। और जो दूसरा हमारा चैनल है उसके ऊपर आप लोग को बेसिकली मूवीज से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, ट्रेलर ब्रेकडाउन, फैन थ्योरीज, पॉडकास्ट, इस तरह की दूसरी चीजें जिसमें व्लॉग्स हो गए, वो सारी की सारी चीजें आपको मेरे उस दूसरे चैनल के ऊपर मिलेगी। तो अगर आपको पूरी की पूरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कंटेंट देखना है, आप चाहते हैं कि ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना, सीरीज के ब्रेकडाउन देखना, सीरीज के रिव्यूज देखना, मूवीज के रिव्यूज देखना, तो आप मेरे उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब से सारा का सारा कंटेंट वो उसी चैनल के ऊपर आएगा। लेकिन अभी जैसा कि हमारा वो चैनल बहुत ज्यादा नया है, उस पर इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो मैं कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो कि इस चैनल पे भी अपलोड करूंगा और उस पर भी करूंगा। लेकिन जैसा जैसा हमारा वो चैनल ग्रो हो जाएगा तो मैं सारी की सारी चीजों को वहीं पे शिफ्ट कर दूंगा और ये चैनल हमारा सिर्फ प्योर जो है वो कॉमिक्स के लिए रहने वाला है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा है, क्योंकि जब भी मैं अपनी यहाँ पे कोई भी रिव्यू की वीडियो डालता हूँ, कोई भी फैन थ्योरी डालता हूँ, कुछ वीडियोस मेरी होती बहुत अच्छी है लेकिन उसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे होते हैं, उसके पीछे की वजह यह कि आप लोग मेरे चैनल से हमेशा कॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और आप वही देखना चाहते हैं, तो इसलिए आपको कॉमिक्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अब जैसा कि आपको मैं कॉमिक्स दे रहा हूं डेली बेसिस पे, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वहां पे मैं जो कंटेंट डाल रहा हूं आप उसको सपोर्ट कीजिए, ना कि आप वहां पे भी जाके यही कमेंट करें कि अपनी दूसरी कॉमिक बुक सीरीज को मैं स्टार्ट कर दूं। कॉमिक बुक का सारा मैटर वो हमारा यहीं पे होने वाला है, मूवीज सीरीज और दूसरी चीजें जो होंगी हम अपने दूसरे चैनल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो इसी तरह मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट वो तो एक ही रहने वाला है, तो आप वहां पे जो भी मैसेज करेंगे वो उनको मैं दोनों चैनल के हवाले से लिंक करके ही समझूंगा आपकी बात को। तो आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर इतने एक्टिव रहते हैं, मेरी स्टोरीज को देखते हैं, मुझसे डीएम करके चीजें पूछते हैं, उसी तरह आप कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे भी एक्टिव रहा करें। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है डेली बेसिस पे कॉमिक्स को अपलोड करने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा है कि मैंने एक नया चैनल बना लिया जो कि अभी से मेरे 50,000 सब्सक्राइबर थे, मुझे कोई खास बंदा जानता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये रिस्क ले लिया है। अब रिस्क ले लिया तो भाई ले लिया, अब तुम लोग को मेरी इज्जत रखनी है और जाके फौरन से सब्सक्राइब का बटन दबाना है ताकि सब्सक्राइबर की बारिश हो और हम अपने उस चैनल के ऊपर भी डेली बेसिस के ऊपर जो बेसिकली अपलोडिंग शुरू कर दें, चाहे वो मूवीज के वाले से हो, सीरीज के वाले से हो, फैन थ्योरीज के वाले से हो, आप लोग जानते ही हैं। और टॉप 10 की जो वीडियो होने वाली बेसिकली वो अपने दोनों चैनल के ऊपर मैं शेयर करूंगा, क्योंकि टॉप 10 का टॉपिक ऐसा होता है कि वो कॉमिक बुक फैंस भी रिलेट कर पाते हैं और जो मूवीज देख रहे हैं वो भी रिलेट कर पाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ वीडियोस ऐसी होंगी जो कि हमारी दोनों चैनल पे मिलेंगी, लेकिन अगर आप मुझे पूरी तरीके से जानना चाहते हैं, सारे कंटेंट को फॉलो करना चाहते हैं, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है। तो इस छोटी सी अनाउंसमेंट वीडियो के जरिए तो आई होप कि आपको अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि हमारे स्पीड टाइगर का चैनल है वो अभी भी मेन चैनल है जहां पे मैं कॉमिक्स को ही लेके चलूंगा जिस तरह मैं लेके चल रहा हूं, और जो हमारा दूसरा चैनल है यानी कि स्पीड टाइगर एक्सप्लेन्ड वाला, उसके ऊपर हम पॉप कल्चर के ऊपर बात करेंगे, मूवीज के ऊपर बात करेंगे, सीरीज के ऊपर बात करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे, व्लॉग्स करेंगे, और ऐसा कुछ भी होगा तो हम अपने उस चैनल के ऊपर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे कंटेंट शेयर करता रहूं अपने इस चैनल पे भी और उस चैनल पे भी, तो मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स तो आ जाने चाहिए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरी वीडियोस को देख रही है, और सिर्फ देख नहीं रही बल्कि मेरी बात को सुन भी रही है, और फिर मुझे मोटिवेशन मिलेगी अपने जबरदस्त तरीके से कॉमिक्स को डेली बेसिस पर डालने के लिए। तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर पूरी कीजिएगा, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जहां पे हमने अब दो चैनल बना लिए जहां पे एक तरफ कॉमिक्स और एक तरफ मूवीज दोनों कंटेंट आपको भर भर के मिलने वाले हैं। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।